हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा साडी वीडियो दे विच, पंजाबी इन फिनलैंड। हुण असीं इत्थे हस्पताल दे अंदर आ गए हाँ। कुलदीप आ कमरे च गई है 106 नंबर च। ये प्राइवेट हस्पताल है इत्थे, मतलब इहदे मोढे नूं जिवें कोई झटका लग गया कि पता नहीं की होया। हुण ये डाक्टर देखणगे, फिर इहदे कोई नुक्स होया तेनू सैट करे। तो इत्थे देख लो भी, इधर भी कमरे ने, बहुत दूर तक इधर भी कमरे ने, उत्तों दी घूम के फिर कमरे ने। तो बहुत देखो सफाई, जमीन देखो थल्यों, तो दरवाजे देखो, मतलब हर एक कमरे दे विच डॉक्टर ने इत्थे। पता नहीं हूँ उपरली मंजिल भी है, 106 कमरे दिखा रहा, इतने 108 तक भी दिखा रहा। सो काफ़ी फिनिश भाषा के बच्चे का ना मेही लैनन, मेही लैनन का मतलब जिमें अपनी शहद वाली मक्खियां नहीं होंदिया, वो ना ते रखा है जिमें ना एदा। मतलब प्राइवेट डॉक्टर हस्पताल है, तो प्राइवेट डॉक्टर ने इत्थे सारे, काफ़ी महंगा है। जानी एक बारी जान दा पता नहीं होना 100 यूरो या 150 यूरो 200 यूरो तक भी हो सकता है। सो ये अगर कह लो भी जोड़ा दे, हड्डियां दे डॉक्टर, बाकी होर भी जो बंदे काम ते होंदे ने वो भी आउंदे ने इत्थे। बाकी काफ़ी इत्थे प्राइवेट हस्पताल ने। मैं भी अज एक जगह जा के आया, ब्लड दे गया, जिहड़ा मेरा काम वाला हस्पताल सीगा उत्थे। मतलब ये जिहड़े प्राइवेट हस्पताल होंदे ने, फिर काम वाले की करदे ने, इन्हां नाल कंटैक्ट कर लैंदे ने भी साढ़े जिहड़े काम वाले बंदे। हुण जिहड़ी मैं फर्म च काम करदा उहदे च 7500 आदमी काम करदा है, ते इदां करके लोग फिर मतलब इन्हां नाल जदों इन्ने ज़्यादा बंदे होंदे ने, फिर अलहदा अलहदा इन्हां दीआं ब्रांचां ने हर शहर च, तो उहदे हिसाब नाल फिर ये मतलब रेट थोड़ा उत्ते थले कर लेंदे ने प्राइवेटां नाल। बाकी सरकारी तां इहो जिहे मतलब काम वालिआं नूं बहुत घट लेंदे ने, वी जे किसे कोल जगह होवे तां दे, नहीं तां बहुत घट सरकारी वाले लैंदे ने, क्योंकि उहनां नाल इहनां दा रेट नहीं बणदा हैगा। इस करके इह ज़्यादातर काम वाले जिहड़े बंदे होंदे ने, जिवें किसी फर्म च हुण कुलदीप जिवें हस्पताल च काम करदी, उत्थे काफ़ी बंदे काम करदे ने हस्पताल च, वो फिर इन्हां ने अपना रेट सैट करना हुंदा है थोड़ा, कि साढ़े को इन्ने बंदे ने, इन्ने बंदे आउणगे। राम भी ये मतलब जिहड़े इन्हां दे हैड हुंदे ने, उन्हां नाल गल करदे ने भी ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ। ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬਾਏ।